पीएम मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट से नाम के आगे लिखा मोदी परिवार हटा लिया है। उन्होंने अपने समर्थकों से भी इसे हटाने की अपील की है। चुनाव के दौरान लालू यादव ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया था कि उनका कोई परिवार ही नहीं है। इसके जवाब में पीएम ने कहा था कि भारत के लोग ही उनका परिवार है। इसके बाद बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और समर्थकों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के आगे मोदी का परिवार लिखा था। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर कहा, मुझे इससे बहुत ताकत मिली है। हम सभी के एक परिवार होने के संदेश को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए मैं एक बार फिर भारत के लोगों को धन्यवाद देता हूँ और अनुरोध करता हूं कि अब आप अपने सोशल मीडिया खाते से मोदी का परिवार हटा दें। वहीं प्रियंका गांधी ने भी रायबरेली में राहुल गांधी को जिताने के लिए लोगों का धन्यवाद दिया। इस दौरान प्रियंका ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। राहुल गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। आभार जताते हुए प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी का किस अंदाज में परिचय दिया, इससे आपको इस बात के संकेत मिलेंगे कि राहुल रायबरेली रहेंगे या वायनाड। रायबरेली के मेरे प्यारे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे बड़े भाई राहुल गांधी जी जो आपके नए सांसद हैं, और किशोरीलाल शर्मा जी जो अमेठी के नए सांसद हैं, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत दिल से बधाई। ये हुई ना बात। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी बताया कि राहुल अब यही रहेंगे, वो रायबरेली नहीं छोड़ेंगे। रायबरेली के हैं और रायबरेली राहुल जी की है। राहुल गांधी जी रायबली के हैं, रायबली में ही रहेंगे, इनका परिवार पूरा रायबली से ही है, रायबली ये नहीं छोड़ेंगे। व्हाई नॉट इस्तीफा दे देंगे, रायबली नहीं छोड़ेंगे। बता दें कि राहुल गांधी रायबरेली से 3,90,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं, जबकि वायनाड से 3,64,000 वोट से जीत हासिल की है। और खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल का कार्यभार संभालने के बाद कल से 3 दिनों के लिए विदेश दौरे पर इटली जा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के इटली दौरे की अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। बताया जाता है कि 13 से 15 जून तक G7 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी शामिल हो सकते हैं। तीसरी बार पीएम बनने के बाद उनका यह पहला विदेश दौरा होगा। पीएम मोदी भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था का देश बनाने को लेकर संकल्पित हैं। लोकसभा चुनाव में इसकी कई बार घोषणा भी कर चुके हैं। ऐसे में पीएम की कमान संभालते ही अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में ये सम्मेलन अहम साबित हो सकता है। दरअसल G7 विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान शामिल है। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले शीर्ष नेताओं में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी अपने दौरे पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक सहित कई द्विपक्षीय बैठकों में शामिल हो सकते हैं। पीएम के दौरे का दूसरा कारण बताया जा रहा है भारत की शांति प्रियता। पीएम मोदी शांति को लेकर अहम भूमिका निभाते रहे हैं। G7 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन से लेकर गाजा युद्ध मुद्दा अहम रहेगा। सम्मेलन में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की भी भाग लेंगे।